28,500 करोड़ रुपए के बजट से वाराणसी से कोलकाता तक 6 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। जमीन अधिग्रहण के बाद अब टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और कुछ पैकेज में तो कंस्ट्रक्शन कंपनी का भी सिलेक्शन हो गया है, लेकिन वेस्ट बंगाल के सेक्शन में काम काफी स्लो है। तो आइए देखते हैं कि वेस्ट बंगाल के सेक्शन में इस एक्सप्रेसवे का काम इतना स्लो क्यों है। इसके साथ ही जब वाराणसी से कोलकाता तक ये शानदार हाईवे है NH-19 जो कि दिल्ली कोलकाता गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का भी पार्ट है, तो इस रूट में एक्सप्रेसवे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। इसके साथ ही वाराणसी से आगे यानी कि ये एक्सप्रेसवे लखनऊ, कानपुर या दिल्ली से कैसे कनेक्ट होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट ये एक्सप्रेसवे कब तक बनकर तैयार होगा, अभी इसकी क्या स्थिति है, तो सभी सवालों के जवाब मिलेंगे इस वीडियो में। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ये है वाराणसी, बाबा विश्वनाथ की नगरी, दुनिया की सबसे प्राचीन शहर। और ये है कोलकाता, पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार, सिटी ऑफ जॉय। इन दोनों शहरों को और करीब लाने के लिए 6 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। वैसे तो वाराणसी और कोलकाता के बीच ऑलरेडी NH-19 है, जिसे पहले NH-2 के नाम से जाना जाता था, जो कि वाराणसी के आगे प्रयागराज, कानपुर और आगरा मथुरा होते हुए देश की राजधानी दिल्ली से जोड़ती है। ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का भी पार्ट है और कुछ सेक्शन में इसे 6 लेन डेवलप किया गया है। ये काफी शानदार हाईवे है, लेकिन फ्यूचर की डिमांड को देखते हुए अब हाईवे का अपग्रेड वर्जन यानी कि एक्सप्रेसवे बनाने की जरूरत है, ताकि वाराणसी से कोलकाता तक लगभग 600 किलोमीटर के डिस्टेंस को मात्र 6 से 7 घंटे में ही ट्रेवल किया जा सके। तो भविष्य की जरूरतों को देखते हुए ये एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, जो कि स्टार्टिंग में तो 6 लेन का होगा, लेकिन फ्यूचर में इसे 10 लेन तक बढ़ाया जा सकेगा। चलिए अब देखते हैं वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे का रूट अलाइनमेंट। तो वाराणसी से स्टार्ट होकर बिहार और झारखंड को क्रॉस करते हुए वेस्ट बंगाल में कोलकाता तक ये एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। ओरिजिनली ये स्टार्ट होगा वाराणसी के अंडर कंस्ट्रक्शन रिंग रोड में बरहुली के पास, जो कि चंदौली डिस्ट्रिक्ट में है। ये देखिए, ये है बरहुली, ये वाराणसी का रिंग रोड है जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो इसी पॉइंट पर NH-19 से ये एक्सप्रेसवे स्टार्ट होगा। तो बरहुली से स्टार्ट होकर चंदौली डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करते हुए ये एक्सप्रेसवे बिहार में एंटर करेगी। बिहार में कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करते हुए ये झारखंड की सीमा में चली जाएगी। झारखंड में चतरा, हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करते हुए ये वेस्ट बंगाल के सीमा में प्रवेश करेगी। वेस्ट बंगाल में पुरुलिया, बांकुरा और आरामबाग होते हुए कोलकाता के पास हावड़ा के उलुबेरिया में ये एक्सप्रेसवे एंड होगा। आइए अब देखते हैं इस एक्सप्रेसवे में अभी तक कितना काम हुआ है और वर्तमान में क्या चल रहा है। जनवरी 2021 में ही लैंड एक्विजिशन स्टार्ट हुआ था। ज्यादातर एरिया में लैंड एक्विजिशन कंप्लीट हो गया है, लेकिन कुछ एरिया में अभी भी लैंड एक्वायर करना बाकी है। खासकर वेस्ट बंगाल में लैंड एक्विजिशन की स्पीड काफी स्लो है, और वेस्ट बंगाल में अभी तक काफी कम एरिया में ही लैंड एक्विजिशन हुआ है। बिहार में भी लैंड एक्विजिशन में काफी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन अब बिहार के ज्यादातर सेक्शन में लैंड एक्विजिशन हो गया है। किसान अधिक मुआवजे की मांग कर रहे हैं, इसके साथ ही अंडरपास और सर्विस रोड की भी डिमांड की जा रही है। आप पहले नितिन गडकरी जी का एक छोटा सा क्लिप देखिए। मुझे इस बात का समाधान है कि जितने सांसद, जितने मंत्री जब जब मेरे पास आए तो ओरिजिनल DPR में केवल 24 ही अंडरपास थे, पर लगभग उनके पूरे आग्रह को मान्य करके हमने 89 ऐसे अंडरपास इसमें बनाकर दिए हैं। इसके लिए जो हाईवे था उसमें मांग की गई कि एलिवेटेड बनाओ, तो 8 किलोमीटर हमने एलिवेटेड बनाया है, और यहाँ के सांसद, विधायक, मंत्री जी उनके कारण ही, उनके मांगों के कारण ही ये सब सुविधाएं करने के कारण कॉस्ट में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। शुरुआत में इसकी कीमत 2200 करोड़ रुपये थी, पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नए कानून को जो मंजूर कर दिया था उसके साथ उन्होंने हमको ये निश्चित रूप से मार्गदर्शन किया था कि किसानों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, और इसी बात को लेकर हमने 4000 करोड़ रुपए केवल कॉम्पेंसेशन के लिए किसानों को दिए हैं।
परियोजना करते समय अनेक अड़चनें आई क्योंकि यहाँ बहुत फर्टाइल लैंड है। मैं विशेष रूप से कर्नाटक की सरकार का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और विशेष रूप से सभी सांसद और विधायकों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनके सहयोग के बिना ये लैंड एक्विजिशन करना बहुत मुश्किल था। बेंगलोर मैसूर एक्सप्रेसवे के इनॉग्रेशन इवेंट में नितिन गडकरी जी बता रहे थे कि इस एक्सप्रेसवे के बनाते समय कर्नाटका के किसानों का कितना ख्याल रखा गया है। तो कर्नाटका की तरह ही उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल की लैंड भी काफी फर्टाइल है, वास्तव में काफी उपजाऊ जमीन है यहाँ की, तो इन किसानों की भी प्रॉब्लम समझना चाहिए। इसके अलावा अंडरपास और कलवर्ट भी ज्यादा से ज्यादा बनाया जाना चाहिए ताकि किसानों को एक्सप्रेसवे के एक तरफ से दूसरे तरफ जाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और भविष्य में जल जमाव की भी समस्या ना हो। तो वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ है लगभग 610 किलोमीटर, जिसमें से उत्तर प्रदेश में इसका 22 किलोमीटर का सेक्शन है, बिहार में 159 किलोमीटर, झारखंड में 187 किलोमीटर, जबकि वेस्ट बंगाल में इस एक्सप्रेसवे की लेंथ होगी 242 किलोमीटर। सबसे बड़ा सेक्शन वेस्ट बंगाल में ही है और वेस्ट बंगाल में ही लैंड एक्विजिशन सबसे पीछे है। इस एक्सप्रेसवे का राइट ऑफ वे 100 मीटर है, यानी कि एक्सप्रेसवे के लिए 100 मीटर की चौड़ाई में जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। तो जिस एरिया में ज्यादातर जमीन का अधिग्रहण हो गया है उन एरियाज को पैकेज में डिवाइड करके कंस्ट्रक्शन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड को मिलाकर टोटल 13 पैकेज है। पहला पैकेज 27 किलोमीटर का है, यानी कि 22 किलोमीटर का सेक्शन उत्तर प्रदेश में है, जबकि पहले पैकेज के 5 किलोमीटर का सेक्शन बिहार में है। तो इसे मिलाकर बिहार में टोटल 7 पैकेज हैं, पैकेज 1 से पैकेज 7 तक, झारखंड में टोटल 6 पैकेज हैं, पैकेज 8 से लेकर पैकेज 13 तक। वेस्ट बंगाल में अभी तक पैकेज की संख्या डिसाइड नहीं किया गया है क्योंकि यहाँ पर जमीन अधिग्रहण काफी स्लो है। वैसे जमीन अधिग्रहण करने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है, NHAI केवल पैसे देती है, इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट को एक्टिवली जमीन अधिग्रहण कर लेना चाहिए। लैंड एक्विजिशन में डिले होने से बिहार और वेस्ट बंगाल में वैसे भी काफी सारे प्रोजेक्ट पेंडिंग हैं, इसीलिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को चाहिए कि चाहे जैसे भी किसान को मनाया जाए, अधिक मुआवजा देकर या किसी और तरीके से किसान को जमीन देने के लिए तैयार करना चाहिए, अदरवाइज ये प्रोजेक्ट भी डिले हो जाएगा। और प्रोजेक्ट के डिले होने से इसका बजट तो बढ़ता ही है, साथ ही लोगों को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। एनीवे आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के सभी सेक्शन में बिडिंग की प्रक्रिया भी शुरू है। पैकेज 1, पैकेज 2, पैकेज 3, पैकेज 6, पैकेज 7 में तो बिडिंग कंप्लीट हो गया है, कंस्ट्रक्शन कंपनी का भी सिलेक्शन हो गया है। ये देखिए लिस्ट, ये लोएस्ट बिडर है तो मोस्ट प्रोबेबली इन्हें ही कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। पैकेज 1 में कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है NKC को, पैकेज 2 और पैकेज 3 में कॉन्ट्रैक्ट मिला है PNC इंफ्राटेक को, जबकि पैकेज 7 में कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को। इसके अलावा पैकेज 8, पैकेज 9 और पैकेज 10 में भी बिड सबमिट किए गए हैं, जल्द ही इसमें भी लोएस्ट बिडर का अनाउंसमेंट किया जाएगा। इसके साथ ही पैकेज 5, पैकेज 11, पैकेज 12 और पैकेज 13 में बिडिंग की प्रक्रिया चल रही है। तो कंस्ट्रक्शन कंपनी का सिलेक्शन होने के बाद सभी फॉर्मेलिटीज को पूरा करके कंपनी अपना सेटअप तैयार करती है, जिसमें 3 से 4 महीने का समय लग जाता है। तो उम्मीद है कि जुलाई अगस्त से इस एक्सप्रेसवे में कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हो जाएगा और 24 महीने यानी कि 2 साल का टारगेट है कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने के लिए, यानी कि काम शुरू होने के बाद अगले 2 साल में ये एक्सप्रेसवे तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद है कि 2025 के लास्ट में या फिर 2026 में ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद वाराणसी और कोलकाता के बीच का ट्रेवल टाइम लगभग आधा हो जाएगा, यानी कि दोनों शहरों के बीच ट्रैवल करने में अभी 14 से 15 घंटे का समय लगता है, जबकि इस एक्सप्रेसवे के बनने पर यह सफर मात्र 7 से 8 घंटे का हो जाएगा, जिससे समय के साथ साथ ईंधन की भी बचत होगी। इतना ही नहीं, इस एक्सप्रेसवे के बनने से काफी सारे नए एरिया डेवलप होंगे। झारखंड की कैपिटल सिटी रांची भी इस एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल के बीच और बेहतर कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो लोकल एरिया में बेहतर कनेक्टिविटी के अलावा दिल्ली से कोलकाता तक एक कॉरिडोर बन जाएगा, क्योंकि गंगा एक्सप्रेसवे प्रयागराज तक बनाया जा रहा है और इससे वाराणसी को भी कनेक्ट करने का प्लान है। वैसे भी वाराणसी से प्रयागराज के सेक्शन में NH-19 को डेवलप करके 6 लेन का बनाया गया है, तो जब ये एक्सप्रेसवे कंप्लीट होगा तो मात्र 15 से 16 घंटे में ही दिल्ली से कोलकाता बाय रोड ट्रैवल किया जा सकेगा।
अपने देश में बन रहे और एक्सप्रेसवेज के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पापा के इंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए।